नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, निधि और सुमित। शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। इम्फाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी बोले, मणिपुर में इतना कुछ हुआ लेकिन आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने नहीं आए, शर्म की बात है। इम्फाल में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले मोदी जी समुद्र के अंदर बाहर फिरते हैं लेकिन मणिपुर नहीं आ सकते, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब है। दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक हरियाणा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए इम्फाल एयरपोर्ट पहुंचे, शरीर पर बनवाए हैं टैटू। मिलिंद देवड़ा ने मुंबई में एकनाथ शिंदे की पार्टी में हो गए शामिल, आज कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया था इस्तीफा। मिलिंद देवड़ा का बयान, कहा पीएम मोदी का देश को लेकर विस्तृत विजन है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर अधीर रंजन चौधरी बोले, कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया फिर भी पार्टी छोड़नी है तो छोड़े। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को आंध्र और केरल के दौरे पर जाएंगे। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल का त्यौहार मनाया। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। ठंड की वजह से समय में बदलाव हुआ है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी क्लासेस। आम आदमी पार्टी ने घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी पीआर कैंप में झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहने वालों से मिली। नासिक में प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर सफाई के बाद आज से पूरे देश में बीजेपी ने शुरू किया स्वच्छता अभियान। 22 जनवरी तक चलेगा यह अभियान। दिल्ली के अलीपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत। रात में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे। इंद्रपुरी में भी 2 लोगों की मौत। अयोध्या के धन्नीपुर में जल्द शुरू होगा मस्जिद का निर्माण। मॉडल किया गया तैयार, मस्जिद की साइट पर लगाया गया नए मॉडल का पोस्टर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। निमंत्रण के लिए अखिलेश ने जताया आभार, कहा समारोह के बाद सब परिवार दर्शन के लिए जाऊंगा अयोध्या। बाराबंकी में कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा। इंदिरा नहर में गिरी कार, 2 लोग लापता, 3 तैरकर वापस आए। झारखंड के सीएम सोरेन को ईडी ने भेजी चिट्ठी, सूत्रों के मुताबिक पेशी को लेकर 20 जनवरी तक मांगा गया है जवाब। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर आज ईरान जाएंगे, दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होगी। हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह की अमेरिकी ब्रिटिश नागरिकों को चेतावनी, कहा इसराइल छोड़कर अपने घर लौट जाएं। पुतिन ने दी बड़ी चेतावनी, यमन पर बमबारी के लिए अमेरिका की मदद करने वाले देशों पर भी करेंगे हमला। इसराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन, नेतन्याहू को हटाने की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लगा बड़ा झटका, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह बल्ला किया रद्द, अब इमरान खान की पार्टी के प्रत्याशी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ सकेंगे चुनाव। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक डिपो में लगी भीषण आग, 70,000 वर्ग मीटर में फैली लपटे, मौके पर पहुंची दमकल की 5 दर्जन गाड़ियां। पश्चिमी कोलंबिया में हुए लैंडस्लाइड में 33 लोगों की मौत हो गई है और करीब 35 लोग घायल हो गए हैं। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। पूरे अमेरिका में ठंड का बड़ा है प्रकोप। मोंटाना में के कुछ हिस्सों में तापमान 0 से 34 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच चुका है। तुर्की में उतरी इराक में किए हवाई हमले, 29 ठिकानों पर
बनाया निशाना, पीकेके के 20 सदस्यों को मार डाला गया। और इस वक्त की बड़ी खबर मणिपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है। न्याय यात्रा को खड़गे ने दिखाई हरी झंडी। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, बीजेपी के मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, ये कहा है राहुल गांधी ने। बीजेपी को लगता है कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं, मणिपुर से मुंबई तक सफर करेगी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर के थौबल से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का झंडा फहराया और ध्वज गीत गाया। यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने खोंगजोम युद्ध स्मारक का दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी 6700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे। 2 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाली ये 20 मार्च को यात्रा मुंबई में खत्म होगी। राहुल की भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा वाली बस पर मोहब्बत की दुकान का पोस्टर भी लगा है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। मणिपुर में बीजेपी ने नफरत की राजनीति की। प्रधानमंत्री के पास मणिपुर के आंसू पोंछने का वक्त नहीं है, ये कहा है राहुल गांधी ने। यात्रा का लक्ष्य जनता के मन की बात सुनना है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत में ये कहते हुए सरकार पर बोला है हमला। भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। क्षम की बात, बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा, वी हैव लॉस्ट व्हाट इज मोस्ट प्रेशियस टू अस। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी एक खास बस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मणिपुर से यात्रा शुरू होने पर राहुल गांधी इसी बस में सवार हुए। देखिए कुमार विक्रांत की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की पूर्व से पश्चिम की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के इम्फाल के खोमजोंग जगह से शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ये बस है जिसमें राहुल गांधी भीतर मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको हरी झंडी दिखाई है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। रैली के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को पहले अरुणाचल के परशुराम कुंड से शुरू करना चाहती थी, जहां बहुत सारे रुद्राक्ष के पेड़ हैं, राहुल गांधी शिवभक्त भी हैं, लेकिन 2024 के सियासी लिहाज से राहुल गांधी ने इस यात्रा को मणिपुर से शुरू करना तय किया, क्योंकि इस बात को लेकर कि मणिपुर में जो अशांति है उसके लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। ये जो कांग्रेस की तोहमत है इसको लेकर वो लगातार हमले बोल सकती है मोदी सरकार पर और राज्य सरकार पर, बीजेपी पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है, उसका आगाज हो चुका है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरुआत के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी आम आदमी के लिए न्याय मांगने निकले हैं, लोगों को उनका साथ देना चाहिए।
जो उसूल हमको दिए हैं उसके लिए हम लड़ते हैं। तुम भी ऐसा तुम्हारा करो। सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बराबर ये कहते आ रहे हैं कि हम विचारधारा की संघर्ष कर रहे हैं। आज की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हमारा विचारधारा की लड़ाई है और ये मकर संक्रांति के मतलब पावन दिन पर और आज मणिपुर से और वो भी हमारे जो योद्धा की जो स्थल है, वीर की जो स्थल है, वहाँ से ये यात्रा शुरू हो रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत से पहले हिंसा में मारे गए लोगों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। सीएम शिंदे ने देवड़ा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सीएम शिंदे ने देवड़ा के हाथ में थमाया शिवसेना का झंडा। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मेरी विचारधारा विकास की विचारधारा रही है। पीएम मोदी के पास देश के लिए एक विजन मौजूद है, कहा मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना शिंदे गुट में सदस्यता लेते समय। तस्वीरें महाराष्ट्र में करवट लेती सियासत की हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आज मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। सीएम शिंदे ने खुद मिलिंद देवड़ा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने देवड़ा के हाथ में शिवसेना का झंडा थमाया। इस मौके पर देवड़ा ने कहा कि उनकी विचारधारा विकास की रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पास देश के लिए विजन है। लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि मिलिंद जी, हम आपके नेतृत्व में एकनाथ जी के साथ हम उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। शिवसेना के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं और एक बार मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनने में हम मुंबई के हाथों को, मुंबई की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं ताकि। दरअसल मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इंडिया फ्रंट में इस सीट पर शिवसेना उद्धव गुट का दावा है और इस सीट से शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक अब मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई सीट से एनडीए उम्मीदवार हो सकते हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मिलिंद देवड़ा उनके संपर्क में थे और वो खेल खेल रहे थे। जयराम रमेश ने देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की टाइमिंग को राहुल गांधी की न्याय यात्रा से भी जोड़ा। जयराम रमेश साहब मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि जयराम साहब आप उनके संपर्क में भी थे, फिर भी उन्होंने आपकी भी नहीं सुनी। नहीं, ये तो वो खेल खेल रहे थे। बिल्कुल साफ हो गया है कि उन्होंने पहले ही मन बना लिया था और प्रधानमंत्री ने उनको कहा होगा कि आज ही निकलो, क्योंकि आज सारे देश में, सारे अखबारों में, चैनलों में, मीडिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत का हेडलाइन चल रहा है। तो एक 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मिलिंद देवड़ा का नाम स्क्रोल पर आएगा। सर, उन्होंने लिखा है कि 55 सालों का मेरा, मेरे परिवार का पुराना रिश्ता रहा कांग्रेस से, उनके लिए भी दुख की अगर बात है तो आपके लिए भी झटका है। तो उनके पिताजी से कुछ सीखना चाहिए ना। सत्ता में थे कांग्रेस पार्टी, मुरली देवरा जी एक कट्टर कांग्रेसवादी थे। अगर हम सत्ता में हों या विपक्ष में हों, उन्होंने कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। वो सांसद रहे, मंत्री रहे, हम विपक्ष में भी रहे हैं कई साल, इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव गांधी जी के ज़माने में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब वो सांसद थे और मंत्री भी थे। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि कांग्रेस के परिवारवाद की वजह से मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दिया, तो वहीं राशिद अल्वी ने मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर अफसोस जताया है। देवड़ा परिवार जो कांग्रेस दल में विगत 55 वर्षों से रहा, गांधी परिवार के निकटतम रहा, वो भी अब कांग्रेस को त्याग रहे हैं। क्या कारण? कांग्रेस की नीतियां, उनका परिवारवाद और मां भारती के जो दुश्मन मुल्क है उनके साथ उनका खड़े होना, कई सारे कारण हैं। जो सरकार में रहे कांग्रेस के ज़माने में और यंगस्टर्स, नौजवान रहे कंपेरेटिवली, वो सब क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? विचार करना पड़ेगा। एक ही दिन के अंदर आप अपनी विचारधारा कैसे बदल सकते हैं? ऐसा लगता है कि आज की राजनीति में विचारों की अहमियत कम हो गई है और सत्ता की अहमियत ज्यादा हो गई है। राम कदम और राशिद अल्वी को आपने सुना। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि मिलिंद
को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, फिर भी उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। वहीं आचार्य प्रमोद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर कुछ नेताओं का कब्जा हो चुका है जो सच सुनना नहीं चाहते। किसी का अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकते हैं। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छे अच्छे बात भी हुआ था आपस में, मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कह सकते। उनको पूछिए ना क्यों गए हो, कांग्रेस ने उनको क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनको पूछिए, मुझे पूछने में क्या फायदा। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से कुराने का काम किया है जी। तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। पोंगल दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर प्रधानमंत्री मोदी ने पोंगल मनाया। पीएम मोदी पूरे विधि विधान से पूजा भी की। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल की शुरुआत की। मंत्र उच्चारण के बीच पूजा शुरू की गई। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने गाय का भी पूजन किया। पीएम मोदी इस पूजा के दौरान दक्षिण भारत की पारंपरिक ड्रेस में दिखे। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन, पुडुचेरी की उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्य राजन भी यहाँ मौजूद थी। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। बीजेपी की नजर दक्षिण भारत के वोटर्स पर है। पोंगल के जरिए पीएम मोदी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए वाराणसी में तमिल काशी संगमम का आयोजन किया था। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना भी की थी। साल की शुरुआत में पीएम मोदी तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर गए। तमिल को सबसे पुरानी भाषा बताकर उसकी तारीफ भी की थी। तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का मिशन दक्षिण शुरू हो गया है। 16-17 जनवरी को दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आंध्र प्रदेश और केरल का भी पीएम मोदी दौरा करेंगे। आंध्र और केरल को देंगे कई बड़ी सौगात। पीएम मोदी 16 और 17 जनवरी को मिशन दक्षिण भारत के तहत आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा करेंगे। अपने दौरे के तहत पीएम मोदी मंगलवार को पहले आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर 16 जनवरी को पीएम आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंचेंगे, जहां वो नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मंगलवार रात पीएम केरल के कोच्चि पहुंचेंगे, जहां कोच्चि के स्टेट गेस्ट हाउस मरीन ड्राइव में विश्राम करेंगे। अगले दिन 17 जनवरी को पीएम सुबह गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। पीएम सुबह करीब 10:30 बजे कोच्चि में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मरीन ड्राइव मैदान में शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी दक्षिण भारत को लेकर खास तैयारियों में जुटी है। पीएम मोदी इस साल दक्षिण भारत का यह दूसरा दौरा करेंगे। पीएम ने साल की शुरुआत तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे के साथ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री जनमन योजना के 1,00,000 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन योजना की शुरुआत की थी। कमजोर जनजातीय समूहों को सामाजिक और आर्थिक मदद पहुँचाने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गयी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना के लाभार्थियों की पहली किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत जनजातीय समूहों को पक्के और सुरक्षित मकान मुहैया कराए जाएंगे। जनजातीय आदिवासियों को साफ पानी मुहैया कराया जाएगा। पीवीटीजी की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करना भी इस योजना में शामिल है। सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी को भी बेहतर करना पीएम जनमन योजना में शामिल है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की थी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अपने सिद्धांत के आधार पर केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और पीएम जनमन योजना इसी की एक कड़ी है।
इस योजना पर कुल 24,104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 15,336 करोड़ की होगी और राज्य सरकारें 8,768 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। वहीं आज अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की और उत्तरायण महोत्सव के मौके पर पतंग भी उड़ाई। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। गृह मंत्री अमित शाह उत्तरायण महोत्सव के मौके पर पतंग उड़ा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पतंग उड़ाई। अमित शाह ने पतंग उड़ाने की परंपरा को निभाते हुए खास संदेश दिया और काफी देर तक पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। इस मौके पर उन्होंने आम लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अमित शाह ने गौ पूजन भी किया और गाय की आरती उतार कर विधि विधान से तिलक लगाया। इसके बाद अमित शाह ने परंपरा के मुताबिक मंदिर में हाथियों की भी पूजा अर्चना की। हाथी पूजन के वक्त मंदिर में पुजारी भी अमित शाह के साथ थे। इस बीच एक हाथी ने सूंड उठाकर अमित शाह को आशीर्वाद भी दिया। वीएचपी रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण एक साथ अलग अलग मंदिरों में देखने के लिए अभियान चला रही है। 56 देशों के 10 करोड़ लोगों को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य वीएचपी ने रखा है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए डीयू के छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने के लिए अपने घरों के नजदीक मौजूद मंदिरों में जाएं। 55 देश, 5,00,000 से ज्यादा मंदिर, पूरे विश्व को यह संदेश मिल जाएगा कि हिंदू विश्व के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए अब तैयार हो गए। वही संत समाज ने मॉरिशियस सरकार के फैसले की तारीफ की, जिसमें हिंदुओं को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखने के लिए 2 घंटे का ब्रेक देने का ऐलान किया है। पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ मॉरिशियस सरकार का कि मॉरिशियस सरकार ने श्री राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 दिनों के लिए सरकारी छुट्टी अपने यहाँ के सभी सरकारी संस्थान और वहाँ के लोगों और संस्थान में किया है, गर्व की बात है। और वीकेंड एडिशन के विस्फोटक प्राइम टाइम में आज TV9 भारतवर्ष पर हम आपके लिए लाए हैं बहुत कुछ खास। 7:55 पर देखिए आज रात मिट जाएगा हूती, अमेरिका की तीसरी आंख खुली। 9 बजे 32 साल की तपस्या, मोदी की राम सिद्धि, ये खास कार्यक्रम आपके सामने होगा। 9:20 पर जिनपिंग का अंतकाल, ताइवान में सूत्रधार। तो आज का ये प्राइम टाइम जरूर देखिए TV9 भारतवर्ष पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ।